तो गाइस आप देख रहे हो कि दोनों टी शर्ट कितने अलग अलग है, और एक फोटो जो टी शर्ट पहले था वो देख लो, और अभी जो देख रहे हो वो तो भाई IPL में तो मजा आने वाली है। तो आप लोग भी सोचते होगे कि भाई कैसे टी शर्ट पहने हैं, कैसे कहाँ से लाए, तो आज वो खत्म हो जाएगा और आपको बताने वाला हूँ कि कैसे कर सकते हो। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी और वीडियो को मिस मत करना, वीडियो को मस्त वाली होने वाली है। तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। पिक्सार्ट ओपन करने के बाद आपको यहाँ प्लस के आइकन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको वहाँ पे मेरा नहीं, इस फोटो पे देखिए, ये फोटो मैंने कट किया है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। देखिए ये वाली मैं फ़ोटो के पहले ये मैं कर चुका हूँ। देखो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने ये मतलब टी शर्ट पहनाया है और इसमें कैप भी पहनाया है, ठीक है। पहले से मैंने कैप पहना हुआ था बट उसमें बस लोगो लगाया, और जो देख रहे हो आप अच्छे से मतलब बिल्कुल आप पता नहीं चल रहा है कि कैसे किया गया और कैसे नहीं। तो आपको आज यही बताऊंगा कैसे कर सकते हो और कैसे नहीं, तो बिल्कुल पता नहीं चलने वाला है। तो वीडियो थोड़ी लंबी होगी बट आप ज़रूर सीखोगे। तो चलो दोस्त स्टार्ट करते हैं। तो पहले इस फ़ोटो को हटा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद जो फ़ोटो मैंने कट किया है, इस फ़ोटो में टी शर्ट और कैप पहनाने वाला हूँ और जो कि आपको सिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ पे मैंने लिंक दिया है, लिंक पे जाकर वहाँ पे जाके क्लिक करके डाउनलोड पहले टी शर्ट कर लेना, उसके बाद आप सीखना, ठीक है। तो पहले हम देखिए पहले क्या करना है, आपको जाना है ऐड फ़ोटो में। ऐड फ़ोटो में जाने के बाद ये वाला टी शर्ट एक है, ठीक है। तो इसको आप कैसे पहनाओगे, ठीक है। हम इसको क्या करना है, पहले आप साइज़ को इसको बड़ा कर लेना अच्छे से, ठीक है। सीधा आप कहीं नहीं मिलाना, आपको जो कॉलर है टी शर्ट का कॉलर है बस डायरेक्ट आपको वहीं से मिलाना है, ठीक है। तो इसको पहले हल्का सा मिनिमाइज कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ से मिलाने वाले हैं कि क्या मैचिंग कर रहा है कि नहीं। थोड़ा टाइम लगेगा बट जब मैचिंग हो जाए तो कोई नहीं बचाने वाला है कि भाई क्या बनाए हो आप, ठीक है। तो सबसे पहले आप कॉलर पर यहाँ पर मैचिंग करना है, बस थोड़ी लंबी हो जाएगी इसके लिए माफ़ करना, बट आप सीखोगे ज़रूर। बस आप लोग के लिए मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग सीखो और फोटो बनाओ, ठीक है। तो बस वीडियो भी थोड़ा बने रहना, वीडियो को मिस मत करना, कहीं कुछ भी छूट जाए तो आप सीख नहीं पाओगे, थोड़ी इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। मैंने एक वीडियो बनाया है चेन्नई सुपर किंग का, उस आप ऊपर जाके वीडियो देख सकते हो, वो वीडियो कैसे बना हुआ और कैसे नहीं, तो वो भी वीडियो बहुत अच्छा है, ठीक है गाइस। इसको मैं यहाँ पे सेट कर रहा हूँ, ठीक है गाइस। तो आप इसे बढ़ा के कम करके देख सकते हो क्या मेरे मतलब बॉडी में अच्छे से मैचिंग कर गया है कि नहीं कर गया है। नहीं भी किया है तो अच्छे से इसको आराम से यहाँ पे हम सबसे बड़ा करेंगे इससे करके, ठीक है। यहाँ पे अच्छे से दम इसी वाले को हम मिला कर सेट करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर अच्छे से ये वाला मतलब सेट कर लिया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, इरेजर पे क्लिक करना है, ठीक है। इस इरेजर पे क्लिक किए उसके बाद ये वाला जो बटन दिख रहा है इसको क्लिक कर देना, ठीक है। सब हट गया। उसके बाद आपको यहाँ पे जाना है और इसको थोड़ा बड़ा करना है और साइज़ को थोड़ा छोटा करना है, ठीक है। उसके बाद जाना है फ़ोटो को जूम करना है और अच्छे से यहाँ पर पेंट कर देना है, ठीक है, जैसे आप पेंट करते हो, ठीक है गाइस। जितने अच्छे से आराम से मिलाकर शर्ट पे नहीं आना चाहिए, ठीक है, ओनली टी शर्ट पे, क्योंकि टी शर्ट है ये, शर्ट के अंदर टी शर्ट है, तो ओनली टी शर्ट पे ही आना चाहिए। बहुत अच्छे से काम करना, बिल्कुल पता नहीं चलने वाला है कि आप टी शर्ट एडिट किए हो, ठीक है गाइस। और हाँ गाइस, अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ये भी मैं बताने वाला हूँ कि अभी जितने माइच मतलब मैच होने वाले हैं उसका टोटल ही वीडियो बनाने वाला हूँ कि कैसे ये फ़ोटो बनता है, ये कैसे बनता है, मतलब फुल ट्यूटोरियल में दे के बताने वाला हूँ कि आप लोग बिल्कुल सीखोगे ही सीखोगे, ठीक है। पक्का वादा के साथ बोल रहा हूँ कि आप ज़रूर सीखोगे, ठीक है। तो ही मैं यहाँ कर रहा हूँ, थोड़ी वीडियो लंबी बनेगी, ठीक है, बट सीखोगे ज़रूर। वीडियो को मिस मत करना और सीखते रहना। तो मैं अच्छे से यहाँ कर रहा हूँ, देख रहे हो ना, एक भी लाइनिंग बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है, फिर तो फोटो पता चल जाएगा कि आप टी शर्ट पहनाए हो, ठीक है। ऐसा काम करना है कि पता भी नहीं चले, ठीक है, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, वही बात है, ठीक है। तो अच्छे से बट काम करते रहना, सांप को मार देना है, लाठी नहीं तोड़ने देना है। तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ भाई मस्त वाले, ठीक है।
देखो यहाँ पे क्या नहीं गाइस कि यहाँ पे जो जो फालतू मतलब एक्स्ट्रा बॉडी मिल आ जाता है, तो आप इरेजर पे क्लिक करके इसको आप यहाँ से मिटका सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ पर हमारे बॉडी पे यहाँ थोड़ा फालतू लग गया था, तो इसको मैं मैनेज कर रहा हूँ। ठीक है, और बाकी का तो बहुत बेस्ट हो गया है, बस आप अच्छे से कर लो। तो आप देखो मतलब सारा काम यहाँ पे मैंने कर लिया है। ठीक है, और इसको यहाँ पे डन करते हैं और इसको बढ़ा के देख लेते हैं कहीं छोटा वाटर तो नहीं है। तो गाइस आप देखो यहाँ पे कितने अच्छे से मेरा मतलब यहाँ पे सेटअप हो चुका है। ठीक है, उसके बाद नीचे जो हल्का छोटा है तो फिर से मैं वो फ़ोटो को लूँगा और यहाँ पे सेट करूँगा। ठीक है, फिर से यहाँ पे रेजर पे क्लिक करता हूँ और देखता हूँ जूम करके तो कहाँ यहाँ पे देखो हल्का हल्का ऑरेंज दिख रहा है, तो इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इसको थोड़ा साइज़ को बड़ा करता हूँ। ठीक है, और ये साइज़ को थोड़ा छोटा करता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैंने अच्छे से मिला के कर देना है ताकि पता ना चले कि आप सेटअप किए हो, टी शर्ट पहना हो। ठीक है, but I made it right. You came begging day and night. I don't wanna hit the bottom. Don't go out of your state of mind. I've been counting 1 to 10. I'll be back when you be dead. With my music. आप यहाँ पे देख सकते हो आपके नज़र में कहाँ दिख रहा है कि मतलब टी शर्ट ये पहनाया गया, अभी आप देख रहे हो तो लग रहा है, उसका पूरा फिनिशिंग काम हो जाएगा तो आपको एकदम पता नहीं चलेगा। तो चलो इसको डन करते हैं और फिर से उसको फ़ोटो कर लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं डन कर लिया यहाँ से और फिर से ऐड फोटो में जाता हूँ और फिर से वो टी शर्ट लेता हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे ऐड वन पे क्लिक करता हूँ और फिर से ये वाली टी शर्ट को यहाँ पे उसके बाद ये कम करता हूँ और बाकी का यहाँ पे मैं मैनेज कर रहा हूँ। ठीक है, तो गाइस हम यहाँ पे मैं सेट कर लिया है। ठीक है, आप देख सकते हो बस यही सबको मिला के करना है भाई, ताकि आपको फोटो जो है ना परफेक्ट एकदम सेट हो जाए और मस्त वाली बन जाए। तो गाइस देख लो यहाँ पे हम बिल्कुल सेटअप हो गया। उसके बाद फिर से हम इरेजर पे क्लिक करते हैं और इसको यहाँ पे मिनिमाइज करते हैं, उसके बाद इस पर क्लिक करते हैं और इसको साइज़ को छोटा करते हैं और इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। ठीक, और फिर से यहाँ जाएंगे और टी शर्ट पे सॉरी, उसके बाद यहाँ पे इसको मिलाकर कर देते हैं। ठीक है, ताकि एकदम लगे बिल्कुल हाँ आप टी शर्ट पहनाए हो नहीं। ठीक है, तो इसको मैंने सेट कर लिया, उसके बाद इसको थोड़ा बढ़ा कर देख लेता हूँ कि क्या देखो बीच में का लाइनिंग पता चल रहा है कि आप यहाँ पे जोड़े होते हैं। तो फिर से मिनिमाइज पे क्लिक करते हैं इरेजर पे, उसके बाद यहाँ पे आते हैं और इसको हल्का भर देता हूँ ताकि पता ना चले। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, आप एंगल बताओ कौन सी एंगल से ये फ़ोटो एकदम लग रही है कि टी शर्ट पहनाया गया, नहीं ना पता चल रहा है। चलो गाइस, तो इसको पता इसको अब क्या करते हैं, अब थोड़ा कैप पहनाते हैं। ठीक है, कैप तो फिर से जाएंगे ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद आपको यहाँ पे एक मेरा कैप है, इसका भी मैं लिंक दे दूंगा, आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर लेना और उसके बाद कैप पहना देना। ठीक है,
चलो फिर से यहाँ पे जाता हूँ और कैप पे लेके जाता हूँ, कैप को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ और यहाँ से हल्का सा नीचे कर लेता हूँ। और इसके बाद जो लोग देखो मेन लोगो है, लोगो को ना बीच में रखना, ठीक है, बाकी कुछ नहीं करना, बस लोगो को बीच में रखना है। और ज़्यादा समझ में ना आए तो फोटो को हल्का जूम कर लेना, ठीक है, आराम से यहाँ पे मिलाकर कर लेना, ठीक है। आप देख रहे हो थोड़ा फोटो में मेहनत तो करना पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने कर रहा हूँ, देख लो। तो हमारा जो फोटो है यहाँ पे सेटअप हो चुका है। अब इसको क्या करेंगे, इरेजर पे क्लिक करने वाले हैं, ठीक है। इरेजर पे क्लिक कर लिया और उसके बाद ये वाले बटन पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद यहाँ पे पेंट पे जाऊँगा, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद ये डन, उसके बाद यहाँ पे पेंट स्टार्ट करता हूँ। तो यही पे मिला के करना है। सेटअप हो चुका है यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे देखो कैप थी, तो गाइस कैप भी देख सकते हो कि हमारा कैप जो है सेटअप हो चुका है। बट फालतू जो यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ मतलब साइड में फालतू है, ये सब अच्छे से सेटअप नहीं हुआ है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, अच्छे से जाना है ड्रॉ में, ठीक है। ड्रॉ में जाने के बाद इसको अच्छे से सब क्लियर करना, ठीक है। तो इसको पहले यहाँ से मैं डन करता हूँ, उसके बाद जाता हूँ ड्रॉ में, ठीक है। यहाँ देख रहे हो ड्रॉ में गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इस पर क्लिक करता हूँ, अब फोटो पे लेयर लाना, उसके बाद यहाँ पे इसको हटा देना, उसके बाद यहाँ इरेजर में जाना, उसके बाद यहाँ पे साइज़ को देख लेना, एकदम सेम साइज़ रखना है यही। उसके बाद इसको जाता हूँ, बाकी जितना फ़ोटो फालतू दिख रहा है कट्टा फट्टा ही सब, आप यहाँ पे आप आराम से मिनिमाइज कर सकते हो फोटो के हिसाब से। तो मैं यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है, आप भी ऐसे ही करना, ठीक है। देखो तो मैं यहाँ अच्छे से कर रहा हूँ, तो आप भी अच्छे से करना गाइस। थोड़े अब यहाँ तक आ ही गए हो तो आप लोग तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करना, और सब्सक्राइब करने का मन नहीं हो तो लाइक करना जरूर। लाइक से करोगे तो हमारा जो हौसला है ज़्यादा बनता भी है, ठीक है गाइस। और हाँ, सीखे हो तो हमको ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में कि हाँ कुछ सीखा है कि नहीं सीखा है, ठीक है गाइस। बस देखो कितने अच्छे से आप काम करना, बस तो बस देखो हमारा जो कैप में था वो बिल्कुल मैचिंग कर चुका है। अब देखो कितना बेहतरीन लग रहा है, मतलब इसको यहाँ से सेव कर लेते, ठीक है गाइस। अब जो मेरा फोटो पहले था, देखो पहले फोटो कैसा लग रहा था, अब उसने जब टी शर्ट लगा दिया तो देखो बिल्कुल पता नहीं चल रहा है ना। तो गाइस अब इसको सेव भी करना होगा तो ड्रा में जाकर सेव करना है, ठीक है। आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ पे लाया हूँ, बट आपको सेव करना है तो ड्रा में जाना है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा MB का मतलब अच्छा सेटअप सेव होता है। तो यहाँ पे जाकर सेव कर लेता हूँ, देखो सेव इमेज लिखा हुआ है, तो इस पर क्लिक करके मैं सेव कर लेता हूँ, ठीक है गाइस। तो गाइस फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, ओके गाइस, तो बाय बाय। और लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना, और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई। फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, ओके गाइस, बाय बाय।